मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने जिस शख्स से मोहब्बत की वो अल्लाह ने हमें दिया ही नहीं, तो अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता। मेरी बात सुनो, सिर्फ मोहब्बत कर लेना मोहब्बत मिलने के लिए काफी नहीं होता। आपको स्टैंड लेना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो इंसान आपके लिए ये मेहनत और कोशिश नहीं करता, तो फिर अल्लाह भी उसे आपसे दूर कर देता है, क्योंकि इस मेहनत और कोशिश के बगैर कायम होने वाला रिश्ता सिर्फ जिल्लत और रुसवाई का बायस बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर ले, तो आपको खुद भी उन दुआओं के लिए मशक्कत करनी होगी। अब अगर आप सारा दिन घर बिस्तर पर पड़े रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि आपको रोज 3 वक्त का खाना मिल जाया करे, तो क्या वो आपको मिलेगा? वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तब मेहनत और मजदूरी से अपना रिजक कमा रहे होते हैं जब आप आराम करते हुए अपना वक्त जाया कर रहे होते हो। तो अल्लाह इनमें और आप में कुछ तो फर्क रखेगा ना। रिज़्क मेहनत से मिलता है और शुक्रगुजारी से बढ़ता है। मोहब्बत भी रिज़्क की तरह होती है। जितना पकीजा रखोगे और जितनी मेहनत करोगे, उतने ही मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितना शुक्र करोगे, जितनी कदर करोगे, उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आइंदा ये मत कहना कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नहीं मिलाया। यकीन मानो, तुमने या उसने कोशिश नहीं की।